हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी पर। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2020। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सूचनाएँ मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल तक की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 2 लाख। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख रुपए के जुर्माने और 6 महीने से 7 साल तक की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम लोन देने वाली किस कंपनी ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में की 15 BPS की कटौती करने के की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, HDFC लिमिटेड। दोस्तों बता दें कि होम लोन देने वाली HDFC लिमिटेड कंपनी ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में की 15 BPS की कटौती करने की घोषणा की है, जो कि 22 अप्रैल से लागू होगी। नेक्स्ट है, मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 25 करोड़ रुपए। दोस्तों बता दें कि मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने 25 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए पीएम केयर्स कोर्स में दिए हैं और 8 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों को देने की घोषणा की, और बाकी दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने के लिए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हैरी और मेगन मर्केल ने ब्रिटेन के कितने अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 4 अखबारों। दोस्तों बता दें कि हैरी और मेगन मर्केल ने ब्रिटेन के 4 अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये 4 अखबार द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस हैं। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कृषि मंत्रालय। दोस्तों बता दें कि कृषि मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेंगे। अगला है, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, टाक बैक। दोस्तों बता दें कि गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टाक बैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है, जिसका बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर से जोड़े उपयोग किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, गोवा। दोस्तों बता दें कि भारत का गोवा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहले जो 7 मरीज संक्रमित थे, वह पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगला है, ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किसने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सड़क परिवहन मंत्रालय। दोस्तों बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में
अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी ट्रक ड्राइवरों को हो रही थी। अगला है, IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दोस्तों बता दें कि IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैंडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला है, 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। दोस्तों बता दें कि 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस दिवस का विश्व भर में मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।